और फ्रेंड्स यहाँ पर ना सब लोग जो है डांस वगैरह कर रहे थे और मैं सबको जो है कलर लगा रही थी, तो यहाँ से ना मुझे साउंड को हटाना पड़ा वरना फिर कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसे कलर ना लगाया हो। और फिर मैं इधर अंश और उसके फ्रेंड खड़े थे, उनको कलर लगाने के बाद फिर मैं चली गई उधर। और ये मंजू भाभी मेरे पास जाएंगे और मेरे से कलर लेंगे और मेरे ऊपर ही घेर देंगे, तो फिर मैं इनके पीछे भागूंगी कलर गिरने। देखिए इन्होंने मेरे ऊपर घेर दिया और अब ये बचेंगे नहीं। ये देखो मैं भाग रही हूँ, इनके पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं, वो देखो। और इनको मैंने पूरा कलर से जो है भांड दिया था। और बस जी फिर मैंने यहाँ पर किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ा कि जो कलर के बिना रह गया हो। और ये जो हमने राधा कृष्ण बनवा रखे थे, बनवाने मतलब बनाए थे, वो हैं दोनों, और ये दोनों बहनें ही हैं। और बस जी यहाँ से ना मुझे जो है साउंड को हटाना पड़ा था क्योंकि हमने ना स्पीकर में भजन चला रखे थे तो उससे फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने कहा ऐसे गूंगा डांस ही कर लो बस। और फिर अब ये सारे नाच रहे होंगे ना तो बिना साउंड के तो अच्छा भी नहीं लगता जी, बिना साउंड के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही, हमने जो होली सेलिब्रेट की अपने गांव की लेडीज़ के साथ, तो आप लोग देखो जी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना मिलजुल कर। कोई भी त्यौहार हो ऐसे मिलजुल कर मिलाओ नहीं सॉरी मिलाप के साथ मनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारा गूंगा डांस देख लो जी, क्योंकि बिना साउंड के तो ऐसे ही लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। और बस जी फिर यहाँ पर ऐसी कोई भी लेडी नहीं बची थी जिसने डांस ना किया हो, सबने किया है, सबने बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया आपस में। और यहाँ देखो मैंने किकली पाई है, मैं घूम रही थी और काम भी बहुत था जी, सारी जिम्मेवारी थी, लेकिन बीच बीच में हम लोग अपना भी इंजॉय कर रहे थे और मुझे अपने वीडियो का भी काम करना होता है। तो ये वाली जो कुछ क्लिप्स हैं ना इस व्लॉग की, ये अंश ने बनाई थी। अंश वहाँ पर मैंने बुला लिया था, मैंने कहा एक तो मेरी वीडियो बना दी थोड़ी सी व्लॉग की, और जो प्रसाद है वो भी सबको बांटना है, तो उसके लिए हमें दो तीन लड़कों की ज़रूरत थी। तो फिर यहाँ पर अंश और उसके फ्रेंड आ गए थे, तो बस जी फिर यहाँ पर जो ये राधा कृष्ण है, मैं इनके साथ घूम रही थी घूम रही थी मीन्स नाच ही रहे थे बस अब। और ये एक आंटी है हमारी, ये भी घूम रहे थे बीच में, और ये कुछ बच्चे कच्चे खड़े हैं, सब बहुत खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पर आकर ना। और अच्छा तो लगता ही है जी जब सब जने इकट्ठे हो जाते हैं मिलजुल कर, कोई भी फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करते हैं। और हम तो अक्सर मतलब करते ही हैं, जैसे तीज हो गई वो भी हमने अच्छे से किया था, और फिर हमने खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी मनाया था, ऐसे ही हमने उसमें भी मतलब भजन कीर्तन बहुत अच्छे से किया था। और मैं यहाँ पर पूरी झूम रही थी, पूरी नाच रही थी अकेली, बाकी सारे चले गए छोड़ के, मैं अकेली। अब मैं इनको सबको नचाऊंगी बारी बारी, चलो मका खड़े देख रहे, नाच नहीं सकते हो यहाँ हाजिरी लगाओ, चलो मैंने घसीटा सबको फिर बीच में। और अब देखो अब रेल बना ली इन्होंने, अभी डब्बे से डब्बा जुड़ रहा है, तो बस जी अब एक और डब्बा जुड़ने जा रहा है। और बस जी अच्छा लगता है ऐसे। और बस हमने ये फिर 2 से 2.5 घंटे मतलब हमारा जो ये कीर्तन था चला था। और पहले ना जब मतलब भजन चल रहे थे तो हम उठा रहे थे ना सबको कि डांस करो डांस करो, तो कोई लेडी उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा अब इनका एक ही इलाज है, भजन तो अब बहुत गालिए, अब स्पीकर पे जो है चलाओ और इन सबको नचाओ। तो फिर वहाँ पर जो है ना सारे के सारे ही मतलब नाचे, ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसने अपनी हाजिरी नाच के ना लगाई हो कान्हा जी के कीर्तन में। तो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा कीर्तन हुआ, और मैं सभी माताओं बहनों प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। और ये आंटी हैं, आंटी मुझे पूछ रहे थे प्रसाद कौन बांटेगा, मैंने कहा आंटी मैंने लड़के लगा दिए हैं, वो खड़े हैं वो बांटेंगे उधर, तो मैं यही बता रही थी आंटी को। तो आंटी मुझे कह रही थी बहुत बहुत बधाइयाँ भी कीर्तन बहुत अच्छा हुआ बेटा, मैंने कहा हाँ जी आंटी आपकी वो है सारी काया माया, आप साथ हो तो अच्छा ही होगा। तो मैं आंटी को यहाँ पर मिल रही थी, और आंटी अब मुझे जो है कलर लगाएंगे, कह रहे मैंने तो लगाया नहीं,
मैंने कहा कोई नहीं बाद में लगाना, पहले अपना चो झूमो गूंगा डांस करो। तो आंटी ने भी फिर हमारे साथ डांस किया और यहाँ पर फिर से जो है मेरे ऊपर कलर गिरा था मंजू भाभी ने, और फिर मैं उनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा अब नहीं मैं आपको छोड़ती। तो फिर मैंने भाभी को जो है अच्छे से रंग दिया था और बस जी मैं सबके ऊपर कलर फेंक रही थी। मतलब यहाँ पर जितने भी थे ना वो घर जाकर नहाए तो जरूर होंगे जिस हिसाब से हमने होली खेल लिया। और देखिए सब लोग कितने अच्छे से मतलब मिलजुल कर मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसे गांव में एकता तो होनी चाहिए देखो। और हम लोग ऐसे ही जो भी आगे त्यौहार आएंगे हम मिलजुल कर ऐसे ही अपने गाँव वासियों के साथ मनाते रहेंगे और आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। और अगर आप लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। हम जब भी आगे कुछ करेंगे तो मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हो जी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो जी आप लोग। तो बस जी ये था हमारा व्लॉग और मिलेंगे अब आपसे एक नई वीडियो के साथ। और इधर मैं कैमरा लेके आ गई थी।